नमस्कार दोस्तों, आज जिस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं वह है गंगा एक्सप्रेसवे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है वह बनाया जा रहा है हमारी स्टेट यूपी में। इस पूरे एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है वह है 1022 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक्सप्रेसवे नदी गंगा के पैरेलल बनाया जा रहा है, जो यूपी के वेस्ट एंड में स्थित मेरठ को ईस्ट एंड में स्थित प्रयागराज से कनेक्ट करेगा। जो मेजर सिटीज ये एक्सप्रेसवे कवर करेगा वह है अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, डाटागंज, शाहजहाँपुर, फरुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़। इस एक्सप्रेसवे का मेंटेनेंस का काम जिसे सौंपा जाएगा वह है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर हम इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसकी घोषणा 2007 में तब की यूपी की चीफ मिनिस्टर मायावती ने किया था, जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि 1047 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो गंगा नदी के किनारे ग्रेटर नोएडा को बलिया से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे को बाढ़ के रोकने के रूप में भी देखा जा रहा था, क्योंकि इसको एक हाइट पे बनाया जाना था ताकि नदी के पानी को रोका जा सके, जो अक्सर मानसून के समय अपने तटबंध को पार करके अपने आसपास के एरिया में काफी तबाही मचाती थी। पर उस समय इस प्रोजेक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनवायरमेंट रीजन के कारण इस पर स्टे लगा दिया। फिर दोबारा जनवरी 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया और ये डिसाइड किया कि प्रोजेक्ट को गंगा नदी के किनारे से 10 किलोमीटर दूरी पर बनाया जाएगा ताकि एनवायरमेंट लॉस का भी ख्याल रखा जाए। सो प्रोजेक्ट को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया गया कि प्रोजेक्ट को फेजेस वाइज डिवाइड कर दिया गया। प्रोजेक्ट के फेज वन में मेरठ से मलवान खुर्द विलेज, जो कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस पूरे टोटल स्ट्रेच 596 किलोमीटर में डिवाइड किया गया। फेज टू को दो सेक्शन में डिवाइड किया, जिस पहले सेक्शन में टिगरी को यूपी उत्तराखंड बॉर्डर तक कनेक्ट किया जाएगा, जो 110 किलोमीटर लंबा होगा, और दूसरे सेक्शन में 314 किलोमीटर लंबे प्रयागराज को बलिया से कनेक्ट किया जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट की कम्प्लीशन डेट की बात की जाए तो फर्स्ट फेज जो मेरठ से प्रयागराज तक बनना है उसकी कम्प्लीशन डेट 2024 रखी गई है, और इसके लिए 2000 करोड़ का बजट भी रखा गया था फरवरी 2020 के यूपी बजट में। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है स्पेशली यूपी स्टेट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसके ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से जोड़ने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना।